बजरंगी क्या कर रहे हो? तुम तो दिखाई दे नहीं रहे हो, कोई देखेगा तो सबको लगेगा मैं इतने आम खा रहा हूँ। बजरंगी बजरंगी अरे कितने बेसुरे हो, कान के पर्दे फाड़ दिए। अंकुश तुम्हारी माँ के पैर में चोट लगी है, जाओ जल्दी घर जाओ। क्या चोट लगी, कैसे? माँ तुम ठीक तो हो ना? माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, बस पैर में छोटी सी चोट आई है। पर ये चोट लगी कैसे? मैं रिक्शा से घर आ रही थी पर खराब रास्ते के कारण गाड़ी ऐसे उछली कि मैं नीचे गिर गई, उसी कारण ये चोट लग गई। अंकुश तुम इतने उदास होकर क्यों बैठे हो? जरा ये सड़क देखो, एक मालपुए से भी ज्यादा गड्ढे हैं इस सड़क में। गड्ढे गिनना बंद करो, माँ की दवाई लेने जाना है ना। अंकुश वो देखो वहाँ के रास्ते कितने अच्छे हैं और हमारे यहाँ के रास्ते इतने कच्चे, ऐसा क्यों? अरे हाँ, और इन अच्छे रास्तों की मरम्मत भी हो रही है, इनको भला मरम्मत की क्या जरूरत है? सुनो अंकल। अरे अंकल रुको, अंकुश ये ऐसे नहीं सुनेगा। अरे ये रोलर अपने आप बंद कैसे हो गया? अरे अंकल क्या है? जो रास्ते अच्छे हैं उन्हें और अच्छे बनाए जा रहे हो और जो रास्ते खराब है उन्हें आप खराब होने के लिए छोड़ दोगे, ऐसा क्यों? क्योंकि हमें यही ऑर्डर मिला है। और कौन देता है ये ऑर्डर? मैं देता हूँ ऑर्डर्स। पूरे शहर की होप है, तोतारम तोप है। पर अंकल शहर की बाकी सड़कों को मरम्मत की ज्यादा जरूरत है, उन खराब रास्तों की वजह से सबको तकलीफ हो रही है। अच्छा तो अब ये 9 साल का बच्चा मुझे मेरा काम सिखाएगा। संडे को मंत्री जी टाउन हॉल में स्पीच देने आ रहे हैं, पता है वो कितना जरूरी है मेरे लिए, मेरा मतलब है इस शहर के लिए। और मंत्री जी इस सड़क से जाएंगे इसलिए यही सड़क ठीक होगी। पर हमारी सड़क? अगर कभी मंत्री जी वहाँ से गुजरने की सोचेंगे ना, तब हम उस सड़क के बारे में भी सोचेंगे। मिर्ची खाओ गम भूल जाओ, जल्द ही ये रोड ऐसे बन जाना चाहिए जैसे मक्खन। हंसी आ रही है तुझे? ये ले। क्या कर रहे हो तुम दोनों? पर इसने मुझे क्यों मारा? पापा हम इस साल छुट्टियों में कहाँ जा रहे हैं? अगर मंत्री जी ने चाहा तो हम छुट्टियाँ स्विट्जरलैंड में मनाएंगे। स्विट्जरलैंड तक स्कोप है, रंगा के पापा टॉप है। हेलो मंत्री जी। क्यों तोताराम, कैसा चल रहा है मेरे स्वागत का काम? बस मंत्री जी आपके पैसों से हम उन्हीं रास्तों को बनवा रहे हैं जिन पर आपके कदम पड़ेंगे। अच्छा है ना, मेरे पैसे मेरे काम नहीं आएंगे तो और किसके आएंगे? वैसे भी मैंने शहर के सारे रोड्स का कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें इसलिए नहीं दिया कि तुम लोगों की सेवा करो, इसीलिए दिया कि तुम मेरी सेवा करो। बाकी रास्तों से मुझे कोई मतलब नहीं, बस मेरी कमर का थोड़ा ध्यान रखना। तोताराम मेरी कमर में इन दिनों बहुत दर्द रहता है,
इसीलिए टाउन हॉल तक के रास्ते में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, वरना तुम्हारे स्विट्जरलैंड के प्रोग्राम में रुकावट आ जाएगी, समझे? आप बिल्कुल फिक्र ना करें मंत्री जी, सारी तैयारियां हो चुकी हैं आपको रास्ते पर लाने की। मेरा मतलब है आपको सही रास्ते से टाउन हॉल लाने की। रास्ते इतने स्मूथ है जैसे कि मक्खन। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप उड़ रहे हो मंत्री जी। अब वक्त आ गया है मिशन मालपुआ को अंजाम देने का। मंत्री जी उस मक्खन रोड से नहीं बल्कि हमारे टूटे फूटे मालपुआ रोड से गुजरेंगे, तब उनकी हालत जलेबी जैसी टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। आए मेरी कमर! हर रास्ता कैसे बंद हो गया? मेरी स्पीच का क्या होगा? टाउन हॉल जाने का कोई दूसरा रास्ता है? ए बच्चे, ये टाउन हॉल जाने का कोई दूसरा रास्ता है? उस साइन बोर्ड को फॉलो कीजिए, वो आपके रास्ते लगा देगा। मेरा मतलब है बता देगा। टाउन हॉल के लिए सीधे जाना है। अरे ये साइन बोर्ड गाड़ी के साथ कैसे चल रहा है? क्या बकवास कर रहे हो? कहाँ चल रहा है ये साइन बोर्ड? अब तुम इस साइन बोर्ड को ढंग से फॉलो करो। ठीक है सर, मिनिमम स्पीड 100 किलोमीटर। तोताराम, तुमने तो कहा था कि सड़क की मरम्मत करवा दी है। सर ये एक्यूप्रेशर टेक्नोलॉजी है, इसे आपके कमर दर्द को बकवास मत करो तोताराम। ये तोते की तरह क्यों उड़ रहा है? ये क्या कर रहे हो मंत्री? मैंने तो कुछ किया ही नहीं सर। क्यों मंत्री जी, इस शहर के खराब रास्तों पर सफर करके कैसा लगा? कमर सीधी हो गई ना? क्या मंत्री जी, ये मंत्री जी हवा में उड़कर क्यों आए हैं? ये सब के लिए तोताराम जिम्मेदार है। हटो हटो, मुझे बात करने दो मंत्री जी से। मंत्री जी, आप इस शहर के लोगों को क्या देना चाहोगे? अब मंत्री जी इस शहर को अच्छी सड़क देना चाहते हैं, है ना मंत्री जी? क्यों मंत्री जी? तोताराम ने पार्टी फंड से पैसे उठाए अच्छी सड़क बनाने के लिए, लेकिन अगर तोताराम ने कुछ बनाया है तो वो है इस शहर के लोगों को बुद्धू। अब तोताराम खुद अपने पैसों से इस शहर के सारे रास्तों की मरम्मत करवाएगा और हर सड़क को इतना स्मूथ बनाएगा जैसे कि मक्खन।
खैर, मिशन मालपुआ कामयाब हो गया। ये। हाँ, अब हमारे घर के सामने वाले टूटे फूटे रास्ते भी पक्के हो जाएंगे। तो ताराम अंकल, ये सड़क अच्छे तो हो जाएंगे ना? पापा, स्विट्जरलैंड की बुकिंग हो गई? यहाँ सोलापुर जाने के लिए पैसे नहीं है और तुझे स्विट्जरलैंड की पड़ी है। पर मैंने तो सारी पैकिंग कर ली। तू अपना सूटकेस लेकर फ्रिज में बैठ जा और सोच ले कि वही स्विट्जरलैंड है। हाँ। बजरंगी बड़ा नहीं, उड़ा नहीं, कूदा नहीं, फिर भी अंकुश पीछे, लेकिन बजरंगी आगे। अरे अरे, कहाँ ले जा रहे हो? आगे झाड़ है। अरे कमाल की साइकिल चलाता है अंकुश तू, मुझे तो पता ही नहीं था। मुझे भी कहाँ पता था। मेरा ये पार्सल पहुँचा देना पुराने बाजार। इसलिए थोड़ी ना साइकिल किराए पे ली है, 10 रुपए दे के। और इले 10 रुपए एडवांस। अरे कहाँ फेंका? अरे डिलीवरी एड्रेस तो ले ले। बजरंगी, ये बढ़िया है, साइकिल का साइकिल और बिजनेस का बिजनेस। बिजनेस? ओहो, काम धंधा, हम यही काम जमाएंगे। हाँ, तुम साइकिल चलाना, मैं बिजनेस। अपनी कंपनी का नाम रखेंगे APSL, अंकुश पार्सल सर्विसेज लिमिटेड। नहीं, BPSL। वांटेड डंटा। मजाक है क्या? साइकिल। मजाक है क्या? चलो, ना तुम्हारी ना मेरी, ABPSL, अंकुश बजरंगी पार्सल्स, मंजूर? मंजूर। हाँ? बजरंगी साइकिल। हाँ? खुशबू दशहरी आम। आम छोड़ो बजरंगी, साइकिल ढूंढो। तुम इधर देखो, मैं उधर। ये दिखने में वैसे ही है, लेकिन ये वो साइकिल नहीं है। अंकल, आपने यहाँ कोई साइकिल देखी क्या? आम दशहरी, कह रहा था ना मैं, दशहरी है। ओहो, आम छोड़ो, साइकिल देखो। ये किससे बात कर रहे हो बच्चे? क्या? नहीं नहीं, आपसे कुछ नहीं कहा, रेंटेड साइकिल है, रिटर्न करनी है। मैं 10 रुपए देकर थोड़ा टाइम और ले लेता हूँ। आप भी ध्यान रखना, लाल साइकिल है, मिल जाए बस। सबको बोल तो दिया है। सबको बोल दिया है। मजाक है क्या? हाँ,
अंकल वो साइकिल अभी और चलाऊंगा। हाँ बॉस, आपकी इतनी खुश, आप पैदल और ये साइकिल पर। रंगा खुश, साइकिल तूने रेंट ली, चलो मैं लूंगा। कहाँ है साइकिल? अरे अंकुश, मैं तुझे ही देख रहा था, पार्सल दे दिया मेरा, भाग रहा है, कहीं ये आम खा तो नहीं गया, तैनात से फंसा। साइकिल कहाँ है? साइकिल। पार्सल कहाँ है? साइकिल। पार्सल, साइकिल, पार्सल। बजरंगी। साइकिल मिले, पता नहीं कहाँ गई। डब्बे में। अरे बोला ना नहीं पता, भागो यहाँ से। तो यहाँ छिपाई है इसने साइकिल। अंकल वो लड़का, उसी के दोस्त हो ना तुम? हाँ हाँ अंकल। साइकिल का पूछना है ना? हाँ 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 अंकल। अभी बताता हूँ। घर खा लिया ही। अंकल क्या हुआ? आपने किसी को रेड साइकिल ले जाते हुए देखा है क्या? अरे ये तो वही आम वाला। पूछो ना, आम खत्म हो गए क्या? आम नहीं, काम खत्म हो जाएगा अगर साइकिल नहीं मिली तो। हाँ? साइकिल खो गई? क्या साइकिल खो गई? क्या साइकिल खो गई? हाँ हाँ अंकल, अंकुश से आप चलो अभी। लेकिन दुकान? दुकान कहाँ जाएगी, पर साइकिल तो गई। आपका तो पार्सल खोया है, हमारी तो पूरी साइकिल ही खो गई है, वो भी किराए की। मेरा 500 के आम खो दिए। आम? आम? उस थैले में आम थे? आम वापस मिल सकते हैं क्या? आम मिले ना मिले, पर साइकिल तो जरूर मिल सकती है। मजाक है क्या? अरे भाई चढ़ो, जल्दी करो। कैसे चढ़ूं, पैर ही नहीं उठते। मजाक है क्या, खड़े रहो। यही है वो। तैनात से फसाद, निकाल मेरे आम और मेरी साइकिल भी। ओ, अरे वाह तैनात जी, आपने तो अपने आम निकाल लिए, अब हमारी साइकिल के बारे में भी पूछो ना। साइकिल किधर है बच्चे की? साइकिल उस बस के ऊपर है। वो देखो, वो रहा अंकुश। बजरंगी।
मैं तो दुकान गया था। गुस्से में है, मारेगा दस और गिनेगा एक, खिसक लो।